हेलो गाइस, तो क्या हाल चाल आप सभी लोगों के? आई होप कि आप सब लोग बढ़िया हो गए। तो स्वागत है आपका GTA की एक और नई वीडियो में। तो जैसा कि आपने लास्ट एपिसोड में देखा था कि नॉर्थ एक्टन गए थे ट्रेवर और माइकल, और वहाँ से ट्रेवर तो भागने में सफल हो गया था, बट माइकल वहाँ पर चाइनीज गैंग ने उसको पकड़ लिया था। तो अभी उस बात के बारे में सिर्फ ट्रेवर को मालूम है, और मुझे नहीं लगता कि ट्रेवर किसी को उसके बारे में बताएगा, क्योंकि उसकी माइकल के साथ लड़ाई हो गई थी तो वो उससे गुस्सा है। तो मुझे जहाँ तक लगता है कि वो उसको इसके बारे में कुछ भी नहीं बताने वाला है। तो फिलहाल के लिए आज हम जल्दी से चलते हैं डेव का, जो उसने हमें असाइनमेंट दी थी, गाड़ियाँ जो उसने हमें 6-7 गाड़ियाँ कहा था कि उसके लिए इकट्ठा करें, तो वो सारी ऑलमोस्ट हो चुकी हैं। आज अभी जल्दी से उसके वो वाले गैराज में चलते हैं जहाँ पर हम उसकी गाड़ियाँ छोड़ते थे, और वहाँ से आज सारी गाड़ियाँ उठाकर जो भी लोकेशन वो हमें बताएगा वहाँ पर उसको डिलीवर करनी है। इस असाइनमेंट के उसने हमें बोला था कि वो हमें बहुत ज़्यादा पैसे देगा, क्योंकि उस मिशन में हमारा साथ लेमार ने दिया था और ट्रेवर भी हमारे साथ था और माइकल भी था। तो यह हिस्सा हम चारों में बटेगा, बट वो भाई पैसे ही इतने होंगे कि हमें आराम से अपना अपना बिजनेस खोल सकते हैं। जैसा तो आपको मालूम ही है कि फ्रैंकलिन अपना गाड़ियों का शोरूम खोलना चाहता है, तो वो नई नई गाड़ियाँ खरीद पाएगा वहाँ से। तो फिलहाल जल्दी से वहाँ पर चलते हैं और देखते हैं। मैंने ट्रेवर और लेमार को बोला था कि तुम सारी गाड़ियाँ ट्रक में चढ़ा देना, तो जाकर देखते हैं कि उन्होंने कोई काम किया भी है कि नहीं। तो ठीक है गाइस, मेरी अभी अभी बात हो चुकी है लेमर के साथ। तो उसने मुझे बोला था कि पहले मेरे घर पर आना, मुझे भी साथ में उठा लेना, क्योंकि वो गया नहीं था, बट हमने उसको बोला था कि तुम चले जाना, हम मां से नहीं आव होगा। बट उसने बोला मुझे पिक करो, बट वो मुझे घर के बाहर कहीं पर दिख तो रहा ही नहीं रहा, और ये हमें कॉल क्यों कर रहे हैं। तो अभी लेमर ने बोला है कि मैंने गाड़ियाँ लोड कर रहा हूँ, तुम सीधे वहीं पर आ जाओ, मैं जहाँ से चला गया था मुझे ड्राइवर ने उठा लिया। तो भाई इसने थोड़ी लेट कॉल किया, हम वहाँ पर पहुँच गए थे। तो अभी ड्राइवर बोल रहा है कि जो लास्ट गाड़ी उसमें चाहिए थी वो इसने ढूंढ ली है, तो बस जो ये लास्ट गाड़ी रह गई थी इसको लेकर जाएंगे और उसके बाद सीधा हम इसको ट्रक में लोड कर देंगे। तो जल्दी से उस गाड़ी में बैठते हैं, हमें अपनी गाड़ी की टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अरे मैं अपनी गाड़ी में क्यों बैठ गया, उस गाड़ी में बैठना है। चलिए उस गाड़ी में बैठते हैं और यहाँ से चलते हैं, क्योंकि वहाँ पर हमारा ड्राइवर वेट कर रहा है। तो जल्दी से चलते हैं, क्योंकि ड्राइवर तो वैसे भी संख्या फ्रैंकलिन को तो उससे डर ही लगता है भाई। अबे यार जाने दे यार, ये चॉकलेट वाला बेवकूफ बंदा जाने ही नहीं दे रहा। अगर जल्दी ना होती ना भाई, इसके खोपड़ी में गोली मार कर जाना था। चलो छोड़ो उसको, तो जल्दी से अभी चलते हैं गैराज में। अभी हम लेमार को पूछ रहे हैं कि जब उसने ये गाड़ी चुराई थी तो उसको किसी ने देखा था नहीं, उसका चेहरा वगैरह। तो ये बोल रहे हैं कि नहीं, उसने वो बंदा अंदर कुछ लेने गया और इसने वहां से आराम से गाड़ी चुरा ली। तो अभी जल्दी से चलते हैं ड्राइवर के पास, क्योंकि वो हमारा वेट कर रहा है, क्योंकि वो सारी गाड़ी चोरी किया, तो ऐसा ना हो कि वहाँ पर पुलिस वाले आए और वो गाड़ियाँ वगैरह देख लें कि ये सारी चोरी की गाड़ी इस ट्रक में है, और कोई प्रॉब्लम ना हो जाए। बस हम पहुँचने वाले हैं यहाँ से राइट लेकर। तो ठीक है, जल्दी से इस गाड़ी को ट्रक में चढ़ाते हैं और यहाँ से चलते हैं। तो ड्राइवर हमारा ही वेट कर रहा था। तो अभी ड्राइवर बोल रहा है कि वो हमसे डेव हमसे बहुत ज़्यादा खुश होगा, क्योंकि हमने उसकी बताई हुई सारी गाड़ियाँ यहाँ पर एक साथ इकट्ठी करके ट्रक में चढ़ा दी और उसको पकड़ाने जा रहे हैं। तो डेव ने हमें ड्रॉप ऑफ पॉइंट बताया था, जल्दी से वहाँ पर चलते हैं और उसके बाद डेव से पैसे की बात करेंगे। भाई बहुत ज़्यादा पैसे मिलेंगे हमें डेव से। तो जब तक हम वहाँ पर पहुँच रहे हैं, तो जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया भाई, जल्दी से सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो वीडियो को। भाई भाई ये छोटी छोटी गलियों में भी ट्रक चलाना बहुत मुश्किल है।
भाई इसको तो मोड़ना ही बहुत मुश्किल है इधर, बट कोई बात नहीं, हम आराम से पहुंचेंगे। ठीक है दोस्तों, अभी चलते हुए काफी टाइम हो चुका है और अभी एक पंगा हो गया है। पुलिस को किसी ने बता दिया है कि हम चोर की गाड़ियां लेकर जा रहे हैं, या किसी पुलिस वाले ने देख लिया, तो अभी पुलिस वाले हमारे पीछे पड़ चुके हैं। तो अभी जल्दी से हमें जो लास्ट वाली गाड़ी है जो हमने चुराई थी जेम्स बॉन्ड की, जिन्होंने वो वाला एपिसोड नहीं देखा वो जाकर प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। तो जेम्स बॉन्ड वाली गाड़ी में स्पाइक्स वगैरह भी है और उसमें गन भी लगी हुई है, मशीन गन। तो अभी हमें वो गाड़ी इस ट्रक से उतारनी पड़ेगी, पहले बस एक बार किसी तरह से उस गाड़ी पे पहुंच जाएं भाई, क्योंकि तो ट्रक चल रहा है तो अच्छे से ग्रिप बनाकर चलना पड़ेगा। और ये बेवकूफ ड्राइवर, अभी भाई हम पहाड़ी के साथ अगर हमारी पीठ लगती तो मरने के पूरे चांस थे, हम बीच में पिस सकते थे। मस्त, मैं वहाँ पर पहुँच ही चुका हूँ, गाड़ी में जल्दी से बैठते हैं और बैठकर इन पुलिस वालों की गाड़ियों को उड़ाते हैं ताकि ये हमारा पीछा ना करें। यार पंगे पे पंगा डल रहा है, अभी कोई भी काम करते हैं तो अभी तो, इससे पहले कि वो और बैकअप मंगवाएं, हम जल्दी से इनकी गाड़ियों को उड़ा देते हैं। तो ड्राइवर ने अंदर से बटन प्रेस कर दिया था तो रैंप खुल गया था, तो अभी हम उतर चुके हैं। जल्दी से डेव के सेक्रेटरी को कॉल करके बोलते हैं कि तुम काम पर हो, हमारे पीछे पुलिस भी पड़ चुकी है। तो अभी हम गोलियां वगैरह भी चला रहे हैं उन पर और हम स्पाइक्स वगैरह भी गिर रहे हैं। तो ये रहा वो पुलिस वाला भाई, ओके ठीक है, तो हमने इसके ड्राइवर को तो मार दिया, बट भाई दूसरा बंदा जल्दी से उसके पीछे बैठ गया। ये गाड़ी वाला कौन है भाई, मैंने गाड़ी दोबारा ऊपर चढ़ानी है भाई, ये कर क्या रहा है गाड़ी वाला। तो मैंने वो स्पाइक्स वगैरह गिरा दिया, तो अभी पुलिस तो हमारे पीछे से हट चुकी है भाई, इसको हटाना पड़ेगा, ये ज़्यादा ही पंगे ले रहा है। अभी आ मगर तुझे मैं बताऊँ भाई, ये बंदा पागल हो गया क्या, हो क्या गया इसको। नहीं तू चल, हाँ अभी बता भाई भाग क्यों रहा है। रुक भाई, पहले तो इसको ना कुछ ज़्यादा ही खुजली हो रही है, इसकी खुजली ख़त्म करनी पड़ेगी। अभी गोलियां मारता हूँ भाई इस पर, अभी भगा गाड़ी को जितना भगा सकता है। तो भाई इसका तो अभी या तो ये मरेगा या इसकी गाड़ी बिल्कुल, ये ले तो इसका तो भाई काम तमाम कर दिया, इसकी गाड़ी भी गई और ये खुद भी मर गया। एक बंदे ने और गाड़ी लगा ली भाई, इतनी गोलियां चला रहा हूँ, तुम सामने से पीछे हट जाओ, हट ही नहीं रहे, ये ले आना होगा अभी, आ सामने भाई, मैंने पहले स्पाइक्स गिरा दी था कि ये सामने ना हो भाई, लोगों को अलग ही चूल्हा है। मुझे लगता है कि इसकी भी गाड़ी को मार, चलो भाई ये भी डन, जितने पंगे लेने थे इसने ले लिया, के बिल्कुल पीछे लगा कर रखता हूँ गाड़ी को ताकि अगर कोई भी प्रॉब्लम वगैरह हो तो हम सॉर्ट आउट कर सके। तो उसने हमें जो लोकेशन बताई थी हम ऑलमोस्ट वहाँ पर पहुँच चुके हैं, बस एक बार यहाँ पर आराम से पहुँच कर उससे पैसा लेंगे, और पैसा लेते ही यहाँ से भाग जाएंगे। तो उसको बताते हैं कि सारे जो भी उसको गाड़ियाँ वगैरह चाहिए वो उसमें, और वो हमें पैसे दे दे। Hello, Franklin. Yeah, where Devin at? Somewhere meditating or ripping somebody off? तो अभी हम इससे पूछ रहे हैं कि डेविन कहाँ पर है, उसने हमें पे करना था, वो कहाँ पर है। तो अभी ये बोल रही है कि तुम लोगों ने जो शहर में यहाँ से ट्रक लेकर आने के लिए वो पुलिस वालों की गाड़ियाँ वगैरह उड़ाई, तो वो नहीं चाहता कि पुलिस वाले उसको तुम्हारे साथ देखे ताकि उसको कोई प्रॉब्लम हो, तो इसलिए वो यहाँ पर नहीं है। तो हम इसको बोल रहे हैं कि हमारे पैसे कहाँ पर हैं। तो अभी ये बोल रही है कि डेव तुम्हारी मनी को होल्ड करेगा और उसको कहीं पर इन्वेस्ट करके जब वो पैसे बढ़ जाएंगे तब तुम्हें देगा। तो इसका मतलब ये है कि ये लोग हमें पैसे नहीं देंगे। भी मुझे लगता है कि डेविन ने भी हमारे साथ
हमें डबल क्रॉस किया, हमारे साथ पंगा ले लिया। अगर यही केस हुआ तो डेविन नहीं बचेगा भाई, उसको तो फिर मारना पड़ेगा। अगर हम गाड़ियाँ उसके लिए चुरा सकते हैं तो पैसे के लिए हम उसको मार भी सकते हैं। तो अभी जल्दी से चलते हैं अपने घर पे, क्योंकि बाहर ज़्यादा घूमना ठीक नहीं होगा, पुलिस वगैरह भी हमें ढूंढ रही है। तो आराम से अपने घर पे रहेंगे, कि उनको हमारे बारे में हमारी आइडेंटिटी नहीं मालूम, उनको बस ये मालूम है कि ऐसे ऐसे इन बंदों ने, तीन बंदों ने कुछ किया था। तो वो लेस्टर को भी कॉल किया हमने, वो यूनियन के बारे में पूछने के लिए कि उस केस का क्या हुआ, और माइकल के बारे में पूछने के लिए। माइकल काफ़ी दिनों से मिला नहीं है और उसका फ़ोन भी ऑफलाइन है। तो लेस्टर अभी बोल रहा है कि मैं भी काफ़ी दिनों से नोटिस कर रहा हूँ कि उसका फ़ोन बंद है, उसने कोई क्रेडिट कार्ड से कोई पेमेंट वगैरह भी नहीं की है। जो लास्ट उसने अपना क्रेडिट कार्ड यूज़ किया था वो नॉर्थैम्पटन पे जाने में किया था। अभी फ्रैंकलिन पूछ रहा है कि क्या वो सिटी में भी है, हो सकता है कि वो किसी प्रॉब्लम में ना हो। तो ये बोल रहा है कि ड्राइवर को मालूम हो सकता है, ड्राइवर की लोकेशन भी उसके पास में थी। तो ये बोल रहा है कि अगर मेरी ड्राइवर के साथ बात हुई तो मैं उसको पूछ लूँगा, अगर तुम्हारी बात होती है तो तुम भी उससे पूछना कि माइकल है कहाँ पर। तो ठीक है गाइस, तब तक के लिए गुड बाय, मिलते हैं किसी ऐसे ही और वीडियो में। तब तक के लिए वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। बाय बाय।